हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास के अगले लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा हो तो थोड़ा समझा भी होगा कि जो पिछले लेक्चर आपने लिए होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। आज उन्हीं लेक्चरों से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए पूरा ध्यान आपको रखना है और समझना है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ये सीखा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर था उसमें ये बताया मैंने कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। और समुच्चय में मैंने आपको छोटी सी बात ये बताई थी कि सबसे पहले समुच्चय के लिए हमें वेल डिफाइन होना जरूरी है, सुपरिभाषित होना जरूरी है, और सुपरिभाषित नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 1.1 के, तो उन्हें सोल्व करते हैं और समझते हैं आप लोगों के सामने। देखिए और समझिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है या नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि समुच्चय होगा या नहीं होगा। मैंने एक बात बताई आपको, जो समुच्चय की जो डेफिनेशन थी बच्चों, समुच्चय की जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन को गौर करना। एक वर्ड सबसे ज्यादा आता है, वो आता है सुपरिभाषित। इसी का रोल होता है सबसे बड़ा कि वो समुच्चय है या नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसमें कोई सस्पेंस नहीं है, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग परिभाषा नहीं दी जा रही उस चीज की। समझना पूरी तरीके से आज के एग्जाम्पलों को, जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो पाएगी। बच्चों देखिए और समझिए, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए बारी बारी से आप ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट का फर्स्ट आपके सामने। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, फिक्स है बिल्कुल, आपको पता है पूरे 12 महीने में से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जो है वो फिक्स है। चाहे मैं बोलूं चाहे कोई और बोले, हर हाल में वही बोलेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं बोलेगा। जैसे आपको पता होता है जून जुलाई, और कौन सा होता है बताओ, जून होता है, जुलाई होता है, और जनवरी होता है ना। जैसे प्रारंभ हो रहा है ना, तो अब ये तीनों महीने, अब जैसे मैंने कहा कि राम ने कहा, राम से पूछा गया बताइए जे से प्रारंभ होने वाले अक्षर महीनों का समुच्चय, महीनों का जो संग्रह है वो बताइए क्या होगा, तो वो भी वही बोलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी जा रही है, अलग अलग मान बताया जा रहा है या अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइन है, और वेल डिफाइन है तो क्या हो गया, समुच्चय हो गया। पूरी तरीके से ध्यान देना, ये क्या कहलाएगा, आपका एक समुच्चय है। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, क्या क्या है इसका जो आंसर है वो क्या है। आपको पता है एक तो जून हो गया, जुलाई हो गया, और क्या हो गया, जनवरी हो गया। क्लियर है बिल्कुल। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, बाकी आप बाद में जब आप सोल्व करो तब आपको खुद को लिखना है। जितनी बार आप लोग सोचोगे उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, जैसे आपके गांव के अंदर या आप जहां पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी या स्कूल, जहां भी पढ़ रहे हो वहां से 10 बच्चों का ग्रुप लिया। अब उन 10 बच्चों में से अपने अपनी रुचि के हिसाब से, क्या बोल रहा है ये, भारत के सब 10 के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, अब मुझे अलग लगेंगे, दूसरे वाले को अलग लगेंगे। कहने का मतलब डिफाइन नहीं है। जैसे एक बात बताइए, किसी को क्रिकेट में शौक है, किसी को बॉलीवुड में शौक है, तो आप बताओ उसके हिसाब से जो उसको अच्छा लगेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि खिलाड़ियों के लिए पूछा जाए तो खिलाड़ियों के लिए ये कि किसी को तो विराट कोहली अच्छा लगता है तो किसी को क्या अच्छा लगता है, तो डिपेंड करता है बच्चे के, मतलब लोगों की सोच के नज़रिए पर। तो फिक्स कहाँ हुआ, डिफाइन हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, फिक्स नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समुच्चय नहीं है, मैं टिक लगा रहा हूँ, ये समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं है, अर्थात वेल डिफाइंड नहीं है, समझने की कोशिश करना। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब एक बात बताओ, 11 बल्लेबाज मेरे अकॉर्डिंग अलग होंगे, दूसरे के अकॉर्डिंग अलग होंगे, तो वो तो फिक्स ही नहीं हुआ, डिफाइन नहीं हुआ, सुपरिभाषित नहीं हुआ, वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। देखो बच्चों, जो पहली बार यदि क्लास ले रहा है तो समझ में नहीं आएगा, आपको पीछे जा करके पिछले जो लेक्चर है आपके दोनों, वो आपको कवर करने पड़ेंगे, तब जाके ही आपको समझ में आएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब ये बिल्कुल फिक्स है, क्यों, जैसे मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ तो 11th क्लास के बच्चों का जो संग्रह है वो फिक्स है, जितने हैं उतने, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया, ये क्या है, समुच्चय है। बात समझ में आ रही होगी, किस शब्द का यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, वेल डिफाइंड अर्थात सुपरिभाषित, इस शब्द का बहुत रोल है इसके अंदर समुच्चय को बताने के लिए। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो देखते ही आप बता दोगे कि वो सेट होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ सब कुछ लेते हैं और यही नहीं पता चलता हमको कि सेट है भी या नहीं है, तो आपको बिल्कुल तरीके से चलना है। मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया आपको, पार्ट ए और पार्ट बी के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होगी, अर्थात एक में तो पार्ट ए के अंदर जो चल रहा है उसमें तो कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी होगी, एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वगैरह दी जाएगी। देखिए भाई, यहाँ पर अगले की बात करता हूँ मैं, सेकेंड पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बच्चों एक बात बताओ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, क्लियर है। अब ये कह रहा है 100 से कम, इसका मतलब ये तो बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि यदि लिखना चाहूँ मैं इसके लिए आंसर में, तो n नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं कहाँ से, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक, हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, ये तो समुच्चय है बच्चों, क्लियर। मैं कहूँ चाहे दूसरा कहे कोई तीसरा कहे, सब यही बताएंगे 1 से 99, यदि सबका एक ही रिजल्ट आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका वेल डिफाइन है, कुल मिला के ये समझ लीजिए आप लोग, तो आपका क्या हो गया, ये समुच्चय है। बताओ बच्चों, आगे बढ़ता हूं मैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। फिक्स होगा मैंने कितने उपन्यास लिखे हैं, बिल्कुल क्लियर सी बात है। लेखक के द्वारा जो लिखे गए उपन्यासों का संग्रह क्या होगा, डिफाइन होगा, इसका मतलब क्या हो गया, समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह है, बिल्कुल सभी संपूर्णांकों का जो संग्रह है वो भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। आप देख लीजिए, सभी संपूर्णांकों का समुच्चय आप जानते होंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जैसे मैं कह दूँ इस एक्सरसाइज के अंदर जो 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन हैं उनका संग्रह, तो एक समुच्चय होगा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। विश्व के सभी सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये गड़बड़ है बताओ, अरे इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम पूरी तरीके से, कौन किसके लिए खतरनाक है। जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने आप लोगों ने देखा है कि छोटी सी बात करूं मैं, छिपकली, ठीक है, कई लोग उससे बिल्कुल नहीं डरते, तो उनके लिए क्या नहीं है, वो खतरनाक नहीं है बिल्कुल। लेकिन किसी को किसी कारणवश मान लो उसने उसे छिपकली से डर लगता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसके लिए खतरनाक हो गया। कई बार ऐसा होता है, आप लोग देखना, कई लोगों को ऐसी चीज़ों से डर लगता है कि दूसरे वाले को नहीं लगता, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मतलब व्यक्ति पर डिपेंड कर गई, तो इसका मतलब क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है ना, इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते कौन किसके लिए खतरनाक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये क्या नहीं है, समुच्चय
नहीं है। एक एक चीज़ देखते जाना बच्चों और अपने माइंड में क्लियर करते जाना। जब आप करोगे क्वेश्चन तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों को घर जाके मतलब आपको दोबारा करना है, दोबारा सोचना है, तो अपने आप ही रिजल्ट आपके सामने निकल के आता है। अगला चलते हैं अपन आगे के क्वेश्चनों पर। आप लोगों को मैंने दो चिन्ह बताए थे पता हो तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है बच्चों कि ए आपको सेट दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपसे कहा गया बच्चों बताइए कि रिक्त स्थानों में मतलब बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, बिलोंग्स टू इसे बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू इसे बोलते हैं। बच्चों इसका मतलब होता है कि जो अवयव है ना वो इसमें विद्यमान है, इसका मतलब होता है विद्यमान नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप सेट पर जाइए, सेट पे देखिए 1 से लेके 6 तक के अवयव है ए के अंदर। तो बताओ 5 है क्या ए में? है ना, दिख रहा है ना आपको 5? तो इसका मतलब कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों? ये बिलोंग्स टू का आएगा। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ पहले। तो क्या बोला मैंने आपसे? मैंने बोला 5 ए में है क्या? है ना, दिख रहा है आपको 5 ए में। इसका मतलब क्या होगा? 5 किस में बिलोंग्स टू होगा, किस में विद्यमान है? ए में विद्यमान है तो बिलोंग्स टू आएगा। अब मैं बात करूं यहां पर बच्चों, आठ है क्या? नहीं है भाई 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। बताओ क्लियर है? 0 है क्या इसमें ए में? आपको दिख रहा होगा 0 तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। बताओ बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? मतलब एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्यों लगा रहे हैं ये चिन्ह, कब लग रहा है ये? यदि विद्यमान है अवयव तो क्या हो गया? बिलोंग्स टू हो गया। और यदि विद्यमान नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू में क्रॉस आता है, बस ये ध्यान रखना। अब अगला देखो, 4 है क्या ए में? है भाई बच्चों 4। देखो आप लोगों ने देखा ना, इनमें आपने देखा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू किस तरह से भर रहे हैं हम। अब आप देखो अगले वाले में, देखो आप यहाँ पर 2। अब 2 इसके अंदर है क्या? है, तो इसलिए क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा। मैं कहूँ 10 है क्या? नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। बताओ, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कहीं भी आपको नई बात नहीं थी। पिछले क्वेश्चनों में हमने देखा कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए और उनमें ये चेक किया कि समुच्चय है या नहीं है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू चिन्ह को हमने यूज किया और उसका यूज करना सीखे कि बिलोंग्स टू का मतलब यदि विद्यमान है तो बिलोंग्स टू, यदि विद्यमान नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन एक विशेष रूप से आप लोगों को बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है कि ये तो होता है बिलोंग्स टू, क्योंकि कई बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, ये गलत है क्योंकि ये एप्सिलॉन बन गया, आप खुद देख लीजिए। और यदि मैं नॉट बिलोंग्स टू बात करूं तो ये ऐसे कैसे ऐसे हो जाएगा, अर्थात ये गांठ नहीं लगती इसके अंदर, ध्यान रखना ऐसे होता है, जबकि एप्सिलॉन में ये गांठ लग जाती है। तो ये थोड़ा सा सिंपल, देखो बारीक बारीक चीज़ें आप याद रखोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ें हमें गलतियाँ करते हैं और बहुत बड़ी बन जाती है वो, तो इन चीज़ों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है आप लोगों को। तो देख लीजिए आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए और इसके बाद आज हम एक नई डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलेंगे सबसेट। क्या होता है सबसेट? ठीक है भाई, तो हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, सबसेट डाल लीजिए। हमने कुछ क्वेश्चन किए उसके बाद हम बात करते हैं सबसेट की, जिसे हम उपसमुच्चय के नाम से जानेंगे। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कोई भी सेट होता है, वो सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाता है? यदि ए पूर्ण रूप से बी में विद्यमान हो। मैंने क्या बोला? माना ए और बी दो समुच्चय हैं, माना
ए तथा बी दो परिमित समुच्चय है, मान लिया मैंने, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा इश्यू नहीं था कि भाई ए फाइनाइट होता, मैंने बोला यहाँ पर ए तथा बी क्या है, दो समुच्चय हैं। अब मैं कहूँ यहाँ पर यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, तो ए सबसेट बी होगा। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? लिखा नहीं रहा मैं आज, कल की क्लास में लिखाएंगे सबसेट की डेफिनेशन। मैं ये बता रहा हूं कि ए का प्रत्येक अवयव यदि बी में विद्यमान है तो वो क्या बन जाता है, आपका उसका सबसेट बन जाता है। जैसे आप समझने की कोशिश करना, यहां पर ए कोई सेट है आपके पास, एक दो तीन चार, एंड जो बी है ना वो कोई सेट है आपके पास, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, देख सकते हो। तो आप बताओगे ए सबसेट ऑफ बी, देख सकते हो, ये पूर्ण रूप से किस में विद्यमान होगा, बी में विद्यमान होगा। क्लियर है? बिल्कुल। यदि एक दो तीन चार इसके अंदर विद्यमान है तो ये इसका सबसेट हो गया। अब एक और बात आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे, जैसे कई जगह ऐसा होता है कि नोट सबसेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए कोई सेट है वो है ए कर दो, और बी कोई सेट है वो क्या है, सुनो बी जो सेट है ना आपका वो क्या दे रखा है, देखो बी सेट है एक दो, ये नहीं है, तीन चार पाँच छ सात आठ। अब आप बताइए, थोड़ा समझ के देखो, बताओ कि बच्चों ए सबसेट बी है क्या, नहीं है ना? तो आज जो सिंबल था आपका, इसको बोलते हैं नॉट सबसेट। तो एक तो था सबसेट, ये तो था नॉट सबसेट, और ये आपका क्या है, सबसेट। समझ गए आ गई बात? ये तो है उपसमुच्चय है और ये उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल। देखो दो चिन्ह तो आपने देख लिए पहले, एक तो चिन्ह आपने देख लिया था बच्चों बिलोंग्स टू, एक देख लिया था नॉट बिलोंग्स टू, एक सबसेट और एक हो गया नॉट सबसेट। क्लियर है? बिल्कुल। ये सारी चीजें लिखाई जाएगी, अभी पहले तैयार करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? और ये बात आप ध्यान देना, जब आपका सेट पूरा होगा तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा उस टॉपिक के प्रति, और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का काम रहता है कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है साथ में आप लाइक और कमेंट किया करो, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत कुछ मैटर मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा क्लासेज होगी 11th 12th की आपकी, और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।